मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पिछले दिनों हुई भारी बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात करके उनके दुख दर्द और समस्याएं सुनी। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीर बगेड़ा, खेरी, बैरी, बजरोल, कक्कड़, जोड़ और सुजानपुर शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से भी आग्रह किया है कि प्रभावितों को शीघ्र अतिशीघ्र उचित मुआवजा राशि राहत राशि प्रदान की जाए। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं दोपहर को जब पूर्व सीएम सुजानपुर पहुंचे तो उनको सुजानपुर हमीरपुर मुख्य मार्ग डोली में लोगों ने और विशेष रूप से वहां पर उपस्थित महिलाओं ने बारिश में हुए नुकसान को लेकर उनसे बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके दुख दर्द को अपना समझते हुए बीच सड़क में ही अपना काफिला रुकवा दिया और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 और 6 के लोगों ने बताया कि हाल ही में जो सुजानपुर में बारिश हुई है उनसे इन दोनों भागों में रह रहे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर परिषद सुजानपुर ने पुख्ता प्रबंध न करते हुए लोगों को इस मुसीबत में धकेला है, जिससे आज समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और उनके घरों में बारिश का पानी पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बारिश प्रभावित वार्ड नंबर 8 का दौरा भी किया। वहां पहुंचकर लोगों से उन्होंने दुख दर्द जाना और प्रभावितों से घर पहुंचकर लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। पूर्व सीएम ने संबंधित वार्ड पार्षदों, नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित पूरी टीम को अपने अपने वार्ड में नुकसान को लेकर संबंधित रिपोर्ट बनाकर उपमंडल अधिकारी को देने को कहा है, ताकि सरकार से आग्रह कर बारिश प्रभावित क्षेत्रों एवं वार्ड नंबर 8 के नाले के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 8 के एक व्यापारी अतुल बंटा, जिसका कुछ दिन पहले बीमारी से निधन हो गया था, उनके घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्राम गृह सुजानपुर में पहुंचकर जनता से मुलाकात की और अपने संबोधन के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि वह सुजानपुर शहर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की वर्षा प्रभावित पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। लोगों को बारिश ने परेशानी में डाल है, अनेकों परिवार इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। संबंधित उच्च अधिकारियों, उपमंडल अधिकारी सुजानपुर को युद्ध स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने को कहा गया है, जिसके ऊपर सुजानपुर प्रशासन सही कार्य कर रहा है। सुजानपुर में पानी की किल्लत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों एवं विशेष रूप से सुजानपुर में कार्यरत एसडीओ से फोन पर बातचीत करके पानी की समस्या को लेकर लताड़ भी लगाई और कहा कि शहर में बरसात के दिनों में ही पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र सही करवाया जाए, जिस पर विभाग की ओर से 24 घंटे के भीतर पानी की सप्लाई नियमित करने का आश्वासन दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्ड नंबर 8 में पहले भी चेक डैम बनाए गए थे, जहां पर और चेक डैम बनाने की जरूरत पड़ती है वहां पर चेक डैम बनाने संबंधी कार्य किया जाएगा और पुराने चेक डैम हैं जिन पर पानी भर गया है उन्हें सही करवाया जाएगा। या उसकी हाइट बढ़ाई जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो मलबा और पानी आता है उसकी जो इंटेंसिटी है, जो स्पीड है, जिस तेजी से आकर गति है, उसको रोका जा सके और वो मलबा धुआं में ना भरे। सीवरेज लाइन में जो फैक्ट्री है उनको ठीक किया जाए, नालियों को ठीक किया जाए और कुछ लोग भी अपने घरों को जहाँ जाए उनके घरों के जो पानी जाते हैं वहाँ उसका लेवल ऊँचा करें, फर्श का या नालियाँ नीचे हो उसका लेवल गली का नीचे हो जाए, तब इस समस्या का समाधान होगा। एक और समस्या भी घर में आएगी या शहर में सारे ही पीने के पानी की समस्या है, उसको जितने एस डी ओ हल्के से हो रही बात हो रही है, उसको उजागर की है, मरूम की है, पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम तक वो आ जाएंगे और कल से प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से पानी शहर में। सर, नगर परिषद के वार्डों में जहाँ आज घूमे हैं आप, वहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने नगर परिषद अधिकारी के खिलाफ आपको शिकायत की है? हाँ, लोगों का विरोध हुआ है, कोशिश करें कि आज शिकायतें ना आए, उनकी कार्य पद्धति में सुधार करें और सर आज पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। कुछ राहत और दी जा सके।
और